आज मैं जावा का नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, इसमें मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करूँगा, मैं इंट वैल्यू लूँगा, कैरेक्टर वैल्यू लूँगा, फ्लोट वैल्यू लूँगा, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रहा है। मैंने एक इंट वैल्यू लिया है, एक कैरेक्टर वैल्यू लिया है और एक फ्लोट वैल्यू लिया है। इन तीनों को मैं आउटपुट में दिखाऊँगा इसका वैल्यू दे कर कर करके, और साथ साथ मैं इसमें इंक्रीमेंट करके भी दिखाऊँगा आपको। आज पिछले वीडियो में जो मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम किया था तो उसमें डेसिमल जो वैल्यू था वो नहीं डेसिमल में आ रहा था, बिकॉज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर मैंने इंट ले रखा था। अगर हम फ्लोट लेते तो वो डेसिमल वैल्यू में आ जाता। वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे फ्लोट डेसिमल वैल्यू में लेने के लिए हमें फ्लोट यूज करना पड़ता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पर तीन ठो ले लिया वेरिएबल, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हर की वैल्यू दे दूंगा 8, 10, और यहाँ पर बी मेरा कैरेक्टर है इसलिए मैं कैरेक्टर को कैरेक्टर में दे दूंगा, और यहाँ पर सी मेरा क्या है, फ्लोट, फ्लोट वैल्यू है मेरा। मैंने आपको बताया है कि डेसिमल्स में हमें आउटपुट दिखाने के लिए आपको फ्लोट वैल्यू ही लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने 10.2 लिया, तो ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी लो, 10.2 लो, 5.2 लो, 11.2 लो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्मॉल एफ लगाना पड़ता है, एक कंडीशन है, आपको यहाँ पर ये यह लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं इसका प्रिंट करने के लिए, मैं ये आउटपुट दिखाने के लिए मैंने ये कंडीशन यूज किया। अब उसके बाद फिर से मैं, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें इंक्रीमेंट हो, 10-11 हो, 11-12 हो, ऐसे इंक्रीमेंट मुझे दिखाना है। तो अभी मैं एक एक इंक्रीमेंट आपको दिखाता हूँ, प्लस प्लस ए, हर में चीज़ में मैं इंक्रीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं उसके प्रिंट करने के लिए कंडीशन दे दूंगा, ठीक है। अब हम इसको ठीक है, ये var1.java से सेव हो चुका है। अब मैं इसको आपको cmd पर ले जाकर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको रन कराना है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अब मुझे कंपाइल करने के लिए यहाँ पे जावा सी var1.java, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो ये कंपाइल कर जाएगा। आपको यहाँ पर क्लास का नाम डालना है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 10a 10.2। पहले जो मैंने इसको आउटपुट कराया वेरिएबल ए इंट का, कैरेक्टर का और फ्लोट का, अध्ययन उसके बाद मैं उसमें इंक्रीमेंट करके दिखाया। देख रहे हैं आप, यहाँ पर 10 से इंक्रीमेंट होकर 11 हो गया, ए से इंक्रीमेंट होकर के बी हो गया है, और 10.2 से इंक्रीमेंट होकर करके 11.2 हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और मैंने एक पेज बना रखा है सुपरटेक एपी पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर से भी जाकर करके इस सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आप नए हैं तो इस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।